MashaAllah, JazakAllah, JazakAllah. मोमिनीन किराम रोती आंखों के साथ दुआ फरमाएं। इस जिक्र का सदका मौला बानी मजलिस सैयद इमरान काज़मी साहब तौफीकात में और इजाफा फरमाए। वो इससे बढ़ चढ़ कर अपनी जद्दे पाक की सभी बातें नशाते रहे। इस आबादे के जितने भी मरहूमीन हैं, खुसूसन सैयद हुसैन शाह साहब, सैयद मयूर हसन शाह साहब और भी इस खानवादे के जितने भी मरहूमीन हैं, जिक्र का सदका मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, इन्हें हर तरह की अर्जी और समावी अफातों के लिहाज से महफूज रखा। मोमिनीन इकराम, कबल इसके के फख्र शोरा वकील आले मोहम्मद जनाब शौकत वदा शौकत जिक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की सादत से मुस्तफी फरमाए, ये चंद एक मजालिस के नजरात हैं, नोट फरमा लीजिएगा। 21 जिलहज को दरबार आलिया सखी मौजूद कलंदर गली बहरे दरिया में मैं से मुनक़िद होगी। पाकिस्तान भर के नामवर वकील और मख्ता फरमाएंगे। मजलिस के अलावा जुलूस सैलाब और शिरियत उतना बरामद होंगे। पाकिस्तान भर की मातमी संगतें तशरीफ लाएगी। जुमला मोमिन से और खुसूसन मातमी अफराद से जौक तक जौक शिरकत की इस्तदा है। 18, 19, 20 रमजान को जेर इंतजाम हाजी सैयद अजहर शाह साहब के एक सालाना मजसेदा का इनेकाद हुआ करता है। ये 3 रोज़ा मजसेदा मुनक़िद होगी, जिससे जाकिर तकी अब्बास क़यामत, जाकिर इजाज़ हुसैन छंडवी, जाकिर नजफ़ अब्बास वो साल जिक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जुमला मोमिन से चौक का जौक शिरकत की इस्तदा की जाती है। इसी तरह 25 दिसंबर को जरियानी के मुकाम पर ही मलक साहिबान के जेर इंतजाम सालाना मजसेदा मुनक़िद होगी। पाकिस्तान भर के नामवर वकीलों फरमाएंगे। जुमला मोमिन से जौक का जौक शिरकत की इस्तदा की जाती है। ये ऐलान है 13 सफर कुबेर नज चकशिया सालाना मजसेदा मुनक़िद होगी, जिससे जाकिर वसीम अब्बास बलोच, अल्लामा सकरैन घल्लू, जाकिर इकबाल हुसैन शाह गुजार, जनाब जाकिर गुलाम, जनाब जाकिर सैयद जुलियत इकबाल शिराजी, जनाब अल्लामा गुलाम जाफर जतोई, जनाब अल्लामा इनायत सत्तर हाड़ा, जनाब जाकिर अली रज़ा खोखर, जनाब जाकिर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह चंद और दीगर भी मुल्क के नामवर वकील मुअक्किला फरमाएंगे। जुमला मोमिन से जौक तक जौक शिरकत की इस्तदा है। यकमता 10 फरवरी को सागरी के मुकाम पर सालाना मजसेदा यकमता 10 फरवरी अशर मुहर्रम इंसान मुनक़िद होगा, जिससे जनाब जाकिर सैयद जाफर काजम रजा, जनाब जाकिर काजम रजा, जनाब जाकिर अली अब्बास बलोच और जनाब सैयद इमरान हैदर शाह साहब वकील आले मोहम्मद जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाया करेंगे। जाकिर अली अब्बास बलोच ठीक 9:30 बजे मजलिस से खिताब फरमाया। अली मेहदी बलोच साहब, सॉरी मेहदी बलोच साहब ठीक 9:30 बजे सागरी के मुकाम पर खिताब फरमाया करेंगे। जुमला मोमिन से जौक का जौक शिरकत की इस्तदा है। 25 फरवरी रात को इसी इमाम बारगाह कसरे काजमिया जिसौन सईदा में सालाना मजसेदा मुनक़िद होगी। मुल्क भर के नामवर वकील खिताब फरमाएंगे। जुमला इस्लाम से जौक का जौक शिरकत की इस्तदा है। अब आपके सामने फख्र शोरा शायर बज़्म मासूमीन वकील आले मोहम्मद मुअर्रख आले मोहम्मद जनाब शौकत रज़ा शौकत अपने मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद की सआदत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अपनी ज़ुबानों को बोलकर कीजिए बुलंद आवाज के साथ नारा तकबीर, नारा रिसालत, कुल ईमान, नारा हैदरी। जिस दिल में शाखे उल्फत हैदर खिली नहीं, जिस दिल में शाखे उल्फत हैदर खिली नहीं, उसको कभी सुकून की दौलत मिली नहीं। हमको तो जिंदगी ने बस सबक ही यही दिया, उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली नहीं।
ये 25 सिलहज को दरबारे आलिया बाबा सैयद मंगा शाहबाज शाह डोग सैदा डोग गुदाल में मल से समर्पित होगी, जिसे सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब गुजाड़, जनाबेदार के सैयद जमीर हुसैन शाह साहब जनाबेदार और दीगर भी जाकरीन और बाखिताब फरमाएंगे। जुमला मोमिन से शिरकत की सदा है, मैं जिसके अलावा मातमदारी भी होगी, जिसे मातमी संगत सिपाही अब्बास और दीगर भी मातमी संगत तशरीफ लाएगी। तमाम मोमिन से खुसूसन मातमी हज़रात से पुरजोर शिरकत की अपील है। आपका सलाम करना है, लेकिन सारी बातों के बावजूद
मैं बुजुर्ग के जिले से आया हूँ तो मुझे मुश्तबा ने बड़े लाड़ से कह दिया जी गदीर सुनाए। आला मैंने मैंने कहा यार बिल्कुल नया सलाम है, बिल्कुल नई मन कवत है बाबा जी, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। उसने फिर भी कह दिया चलो दो तीन रुबाइयाँ तो सुनाए। उन दो तरह रुबाइयाँ तो पढ़नियाँ बैठ गई। मैच करते थे आप है दरअन को बैठा पता लगे हुए है जाने पाया दर्द में तूने कभी पाया ना ली थोड़ा सा था मेहरबानी करना जी जी भाजा जी जदा भाई जी मुर्शिद सलाम मेरे बाबा पुत्रों के छाल होने करोड़ शुक्रिया बेटा जो उस बंदे का जिसने दोनों दफा पाया समझा और बोला। भाई अभी आपसे डिस्कस हो रही थी शायरी पे मुश्किल काम किया हम गरीबों ने, लोगों ने पूछा फिर मदद ही नहीं की हमारी। पाया दर्द में तूने कभी पाया ना अली, तू है कम जर्फ तेरे दिल में समाया। हाँ, सलाम।
रिच की कमी दान ना दियो मिन दान दियो पहले आसे शाह आविश्मी क्या क्यों साजद कमी दान दी थी हाथों पे मोहम्मद के वली ये में वली था अजहर पे ही वो मजहर है और सब पे जली था वो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर تصور میں بلندی کا تصور اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے ہی دونوں ہاتھوں میں علی کو اٹھائے ہوئے نبی نے اندازہ کر اٹھانے والا کون ہے اور آنے والا کون ہے آپ کو بولنا چاہیے تھا بیٹا پڑھے لکھے بچے نہ بولے دیکھو نا بزرگ بول رہے سفید داڑیاں ان کی انہوں نے ساری زندگی ہمیں داد دیے بیٹا انہوں نے پالا ہے इन बुजुर्गों ने पाला है मेरे बेटा अब आपका हिस्सा बनता मैं बुढ़ा हो गया कॉलेज पढ़ पढ़ के मेरा पुत्र उठाने वाला नबी है आने वाला अली है कहने वाला जली है हुक्म जली का है इंतखाब नबी का है ऐलान अली का है तीनों विलायतें एक अच्छी होगी समय जरा दरअसल आज ईद है बिनते रसूल की
नौ का आदत चुना है खुदा ने, इसीलिए हैदर की दाल पोशी है मर्जी बतूल। ये दो भाइयों ने भरी दोपहर में
सुने मुस्लिम शहीद सुने इन्होंने सिंह साहब की बलम साज नहीं सुने इन्होंने बादशाह बंदे सुने एकदम ना सोशल मीडिया आ गया स्किप हो गई पूरी नस्ल उर्दू अदब तो हम अस की गल करते हैं बोलते नहीं असं उ खड़े हैं पिछले उदब छड़ गए हैं सब फिर खोफ होती है ये दो भाई में भरी दो पहर में कहानी ये सुबह अदल छेद भी है सुनो मुस्तफा हाथ पर मुर्तदा ने अजब मर्जी लम अदल छेद जमीन पे आतिशी रोजमा रहे हो न किसी में रुकने की हिम्मत है न किसी में ठहरने की ताकत है न कोई रुकने की जगह है न कोई ठहरने का मकान है दूर दूर तक साये का साया नहीं और एक बेसाया जमीन शाखे हयात पे बैठ के उंगले वाले लोग बेदार हुए
किसी ने जल के नलीला कहा, किसी ने कहा इज्जत गई, किसी ने कहा हुकूमत गई, बाहर हालाता का पर्दा उठा, इन नमा का गिला उतरा और लाभाई नबूवत के ताहिर अथर सागर से विलायत अली के रिंदों ने मस्तों ने शराब मबद्दत को पा लिया। इन नजरान शर्मा ने उनका शंकाना मिजाज हुआ का फूरा के मैखाने में वह सका हमर को हम शराब तहूरा का दाव चला तो अल्लाह असल को मरा है अजर इल्ल मबद्दत फिर गुरबा का धाम मबद्दत को माता शाह ने इन जैसा शादा जैसे मंदू इनाम याफ्ता असरत याफ्ता साकी का हाथों छुड़का कल अफ्ता हम मोमिनून के हक नारों में बरत अल ईमान कुल लोग के हुक्मारों में इनमा वलीयकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लदीन आमनु लदीन युकीमुन सलात वो योगुम सकार वो हमरा के उनकी शराब विलायत लुत्फ दिया बस में मलाइका में सफे उपिया में हूरों की कतार में पर्दा गफार में कौशल के शराब में सलसगी के आप में जन्नत के दलान में अल्लाह के कुरान में हर साहिब ईमान में हर एक मुसलमान में अल्लाह के अक्ष में मौला के फर्श में जुमला अजीजों में जुमला अजीजों में सारे नौकरों में सारी करीदों में मोहम्मद के फरमा बरदारों में रिसालत के ढेर सारे यारों में देखते सही यार बुजुर्ग ने चिट्ठियां डालिया ने हाथों
जुबानी, अठारह के हिस्से से ही समझो ये कहानी। एक बुजुर्ग शायर के बिना जा सकता है सलसवीर ने नाना ना, उन्होंने एक किताब भी है कई जमाने मार्केट के बीच पतुन्ना पैथी भी इतने कमाल करनल जाफर दाहिर साहब जंग के बिलांग कर दिया मत रहीम यार खान चले गए घूम दे इलाके जो उनके और रह पे उन लोगों ने एक किस्म की पूजा की थी उन्होंने पेरा तुम उतना कोई नहीं तोड़ता उन्होंने चुकी चा के सिर तरह कहने बंदे इतना बड़ा ना इमानदार इतना बड़ा कर्म ही ना देते मैं उन्होंने इलाके जश्न पे पढ़ा पी हो उन घर पे पढ़ा जिन्हें घर जो नौ साल दे अल्लाह इज्जत देने हज शाहे रिसालत
एक अरसा तो हज के लिए सरकार भी तरसे तरसे काफी अमेरुमा पुत्रों मदद करे बुजुर्गो दुआ करे तरसे एक अरसा तो हज के लिए सरकार भी तरसे हज करके बसत शुक्र चले दीदाए तर से Come on.
जो सुस्त कदम है उनका इंतजार करो, जो सुस्त कदम है जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, जो तेज रफ्तार है उन्हें वापस बुलाओ।
का कुरान। उल्टों के पालान, पालान पे सुल्तान, सुल्तान के हाथ पे बोलता कुरान। एक मंजर हम छिम से पढ़ ना चलो, क्यों बुलाया नहीं गया भी? दोनों हाथ बढ़ा के एक दफ समझ में आया आलम इमकान के मकसूद इधर। तशरीफ ले आए हैं, वो आ गए हैं।
देख लिया मैंने उन्हें, मेरे यही वादा था इन शुरू से, जब तक मेरा बच्चा नहीं आएगा मैं तब तक पढ़ता रहूँगा। यही कहा मैंने आपको तस्वीर दी थी, जब तक जाफर आ नहीं जाता मैं पढ़ता रहूँगा। अल्लाह उसे परेशानियों से महफूज, अल्लाह उसे दुखों से महफूज फरमाए, अल्लाह उसे नजर बात से महफूज फरमाए। किन के दो मिनट, वो भी अगर आप फजाइल में आ गया होता तो मैं यहीं छोड़ देता। अब बताओ आ जाओ इसमें मोस्ट वेलकम, आ जाओ अल्लाह परेशानियों से नजात दे, जुग जुग जियो हजारों साल जियो सदा सलामत हो। किन के दो मिनट बिल्कुल आप अभी सोच रहे हो कि मैं चला जाऊंगा, इसलिए कि मातमदारी भी है और गरीबों के जनाजे भी है। कुछ लोग जहनी तौर पे सोच रहे हैं देर होगी, चले ना जाना जनाजे, ज्यारत करके जाना, मातम करके जाना, परदेशियों के जनाजों को देर होती है, बेवारसों के जनाजों को देर। शब्बीर घर से लेके चले थे जो कारवां, तेरी मर्जी को है कर ना करने ज्यादा। शब्बीर घर से लेके चले थे जो कारवां, मंजिल से कब्ल बहन की नैया हो जाए। सब बीबियां लुटी हैं सरे रिश्ते करबला,